झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर हमारे साथ हैं। राज्यपाल के आदेश पे उपद्रवियों का पोस्टर लगा था, तुरंत उतार लिया गया। पुलिस ने कहा कि कुछ इसमें अमेंडमेंट करना है, लेकिन जो तुरंत उतारा गया उसको लेकर सवाल उठ रहा है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि सरकार के इशारे पे उतरा है, सरकार उपद्रवियों की समर्थक है। जेएमएम से हमारी बात हुई तो जेएमएम के लोगों ने कहा कि पुलिस कार्रवाई करे, गिरफ्तार करे, लेकिन पोस्टर के पक्ष में जेएमएम नहीं है। उन लोगों का कहना है कि ऐसा कदम कोई पुलिस नहीं उठा ले जिससे समाज में तनाव फैले, विद्वेष हो, किसी का तस्वीर सार्वजनिक भी करने के लोग पक्ष में नहीं, कार्रवाई करने के। कांग्रेस का क्या स्टैंड? देखिए, सीधी सी बात है कि जिस तरह से ये घटना हुई है और उसमें 2 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया गया है, जांच हो रही है, गिरफ्तारियां भी हुई है, बावजूद सिर्फ इस एक राजनीतिक एजेंडे के तहत अगर इस तरह की कोई कार्रवाई की जाती है, और मैं आपको बताऊं, यहां प्रेसिडेंट रूल नहीं है, एक चुनी हुई सरकार है और महामहिम अभिभावक हैं। अभिभावक का काम होता है सलाह देना और पूरे सलाह पूरी शिद्दत के साथ देना है। राज्य किस तरह से किस हालात से गुजर रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। हमें शांति को और ध्यान में रखते हुए ही कोई कार्रवाई करनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ पोस्टरबाजी करा करके, बुलडोजर चला करके राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम समझते हैं पुलिस को महामहिम ने और बहुत सारे निर्देश दिए थे और पूछा था कि अश्रु गैस के गोले क्यों नहीं छोड़े गए, वाटर कैनन क्यों नहीं चला गया, क्या इन सारी चीज़ों को लेकर के जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने सरकार के पास अपना कोई पक्ष रखा है? नहीं रखा है तो निश्चित रूप से रखने की ज़रूरत है। और हमें ये लगता है कि सभी लोगों को निष्पक्ष होकर के काम करना चाहिए, किसी के पॉलिटिकल एजेंडे में नहीं आना चाहिए। और हम समझते हैं महामहिम राज्य के अभिभावक होते हैं, उनको पूरी अपनी गरिमा का ख्याल करते हुए राज्य को केंद्र बिंदु में रख करके, दल को केंद्र बिंदु में नहीं रख करके काम करने से हमें लगता है कि राज्य में जो हम शांति स्थापित करना चाहते हैं, जो माहौल एक समय बिगाड़ा गया है, उसको रोका जा सकता है। अब तो सर पोस्टर को लेकर मामला अब स्टेट गवर्नमेंट बनाम राज्यपाल दिख रहा है। नहीं, देखिए, अब वो तो देखने का अपना अपना नजरिया है। हमारा सीधा मानना है, मैं राजभवन की पद्धति से परिचित हूँ, राज्यपाल बुला करके सलाह जरूर दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि कोई आदेश दे दिया अगर उन्होंने तो निश्चित रूप से उनको मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए, और नहीं अगर उन्होंने बताया है तो जो शासन के अधिकारी हैं उनको सरकार को बताना चाहिए, गृह सचिव को और जो अधिकारीगण है। तो कहीं ना कहीं मिस हुआ है और हमें इसी मिसिंग को समझने की ज़रूरत है। और हमें ये लगता है कि जो राजनीतिक एजेंडे के तहत काम हो रहा है उस पे उससे हट करके, बिल्कुल राजनीति से परे होकर के प्रशासन को अपना काम बखूबी ईमानदारी से और निष्पक्षपूर्ण तरीके से करना चाहिए। एक आखिरी सवाल, ये जो हिंसा हुई है उसके पहले बात सामने आई कि कोई व्हाट्सएप ग्रुप था वासेपुर गैंग के नाम से, जिससे मैसेज भड़काऊ मैसेज आ रहा था कि भीड़ जुटनी चाहिए, सोशल मीडिया पे पोस्ट डाले जा रहे थे, तो एक नवाब चिश्ती व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पहले भी उसको दंगा भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, इस बार भी गिरफ्तार हुआ है, मास्टरमाइंड बताया जा रहा है उसका। कांग्रेस और जेएमएम के कई नेताओं के साथ फोटो भी सर वायरल हो रहा है। निश्चित रूप से जनता के बीच जो लोग रहते हैं, कई लोग, अब वो तो जमाना है नहीं कि 28 रील वाला की रील खत्म हो जाना है, सब लोगों के पास मोबाइल है, सब लोग तस्वीरें लेते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम समझते हैं जिस तरह से तस्वीरें आई हैं पहले घोटालेबाजों के साथ, उस पर लोगों को बोलना चाहिए, अगर ये कोई तस्वीर, अगर तस्वीर पे आप काम कर रहे हैं तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ जाएगा, तो इसलिए तस्वीरों पर ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए चर्चा। तो देखिए, यहाँ पे अब जो पोस्टर का जो मामला है इसको लेके स्टेट गवर्नमेंट बनाम राज्यपाल अब साफ दिखाई दे रहा है जेएमएम और कांग्रेस के बयान से, और ये दोनों पार्टियां को साफ कहना है, लोग पोस्टर के पक्ष में इनका कहना है कि आप कार्रवाई कीजिए, जेल भेजिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कीजिए जिससे समाज में तनाव हो। सो बुलडोजर चलने से या पोस्टर लगाने से लोगों को न्याय नहीं मिलता। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़ रांची।